नमस्कार, सोनम किचन को स्वागत। आज मुशार आ गोटे अथेंटिक रेसीपी नहीं आसी कणिया सुआदिया सीजा मंडा पिठा नहीं आसी जेकोसी ओसावत बन पारे आकु मुगपुर देकी बनई पिठाटी बहुत ही हेल्दी रहा बहुत ही टेस्टी लगे। तो केते गुड़िया टिप्स सहित तो ये पिठाटी को बनई तो भिडटी को फास्ट टू लास्ट जाए देखूँ। तो ये प्रथम मुग डाली नहीं जा ये पूरपाई मु गोटे गिना देसी मुग डाली नहीं जहाँ चोपा लगी चाहिए मार्केट रु चोपा छड़ा मुग डाली नहीं पारे मुंतु ये चोपा लगा मुग डाली रे पूरा बनईबी आकु टिके करे देके टिके फ्राई करदेवि। तो गैस टी मीडियम रु लो मीडियम करके आकु टिके बासना हवा पर्यंत फ्राए करी जेपर्यंत पटे पकिले जमी टिके कुडु कुडु लगे से पर्यंत आकु फ्राए करी। तो डालीटी टिके फ्राए होगला बासना मध्य भल हो तापर ये डाली को गोटे जगह को काढ़ी आन कि भल भाव धोई दूची धोई सारिकी आकु प्रेशर कुकर दे दूची। तो ये देसी मुग डाली की दुई तीन थर धड़ई जहाद्वारा ता तले जो गुड़ी अंश गुड़िक थी सब बाहर जापर उपर एमती डाली को दे दूची तीन गिना ये पा दे दूची दुई तीन गिना पा देखिए अल्प टिके लुण दे दी तापर यार कभर दे दी कभर दे देकि गैस टी मीडियम रु सीम करके आगे तीन रु चार सीटी मारिदे मुझे मीडियम फ्लेम रे चारोटी सीटी मारिदे यार बांफ आपे आपे बाहरी गला यार कभर को खोली दूसरी। तो डाली भल भाव सीझी जा हाथ में आपको देखा तो एमती ही डाली बिली जा गोटी गोटी होकर रही। तो आपको एवं पूर बनवाई गोटे सैड को रखिदेगी एवं गैस कड़े बसई नड़िया को गोटे नड़िया को एमती कोरी कर रखी थी आपड़ चाहिए एथेरे छेनापर तापर मुझे गुड़ दे दूँगी आपत चाहिए चीनी पूर करेंगे मुझे ए गुड़ दे कि पूरटी बनाऊँगी जहाद्वारा पिठाटी बहुत ही हेल्दी रहा गुड़टी देहपाई बहुत भल। तो अधिक ए गुड़ दे दूँगी जैसे मीठा दरकार गुड़ दे कि नड़िया सहित टिका फ्राए करदेवि। तो गुड़टी मेल्ट हो आसानी एवं सीझे रखी मुग को एदेवि गुड़टी मेल्ट हाँपर टे पाई आग सीझे पा अच्छे से मो गैस टी हाई फ्लेम रे टिके फ्राए करदेवि जेपर्यंत यार पा मरी न जाए सुखा सुखा न हो जाए। तो मुग सीझा को दे सारापर एमती गोल गोल आपको मझी मझे एमती पा मरवा जाए फ्राए करदेवि। देसी मुग डाली नड़िया गुड़ पूरटी खावापी बहुत ही टेस्ट लगे आहुत हेल्दी र तो यार पा मरीगला एवं यार गोटे भल बास्ना हाँपाई मुझे अल्प अलैच आल्प गोलमरीच को गुंड करके रखी आपको मुझे हेमदस्तार अल्प टिके चीनी देकी एमती गुंड करके रखी आपको देदेवि आपको दबा द्वारा पूरर बास्ना बहुत ही भल आस। तो आपको निश्चित देवे पूर बनला बेले तापर ए सबको एमती गोल दूचे। तो पूरटी मोर रेडी आपको गोटे थाली को काढ़ी आनि थंडा हाँपाई। तो पूरटी को थाली काढ़ी सारापर आपको फैन आगे कि समय थंडा करने रखिदे जहाद्वारा पूरटी को हाथ में धरिक स्टफिंग भरी हम। तो ये चलत खड़ी जंती दे पिठा बनवाई से मुझे अधा के जी अरुआ चाउल को चार पांच घंटा हम बतुरे रखिदी आपण घर जेकोसी अरुआ चाउल अच्छे से ही अरुआ चाउल को लेकिन पिठा बनई पारे आम जो अरुआ चाउल को भात रांधु से ही अरुआ चाउल को लेकिन पिठा बनई पारे। तो चार पांच घंटा बतुरी सारापर आपको भल भाव धोईदेपर आपको ग्राइंडर जारे दे दूँ चाउल को ग्राइंडर जारे दे सारापर ए अल्प पा देदेपर यार कभर देकी आपको पेस्ट कर आणुची तो आपको ग्राइंडिंग करके आपको हाथ में देखा हाथ में बिलकुल भी दाना दाना लगुना एमती ही चिकन करके पिठो को बाटिदेवे। एवं चाउल गोटे डो बनवा से मुझे गैस गोटे बड़ कड़ाई बसई देखिए अल्प पा देदे खड़ी जोतवापी जी पा आवश्यक से अनुसार पा नहीं जाए अल्प ही पा ने तापर एथरे हाफ चामच लुण दे दूची आ गोटे चामच गुआ घी दे दूची चाउल जंतुनी सॉफ्ट हबा आ करेई रु संगे संगे बाहर जावाई मुझे गोटे चामच घी दे दी आ दुई चामच एथरे चीनी दे दूची जहाद्वारा आर ऊपर भागटी मध्य टिके मीठा रहिबा फुटे दूची टिके फुटी गला परे मुझे गैस टी सीम कर आ गोटे हाथ में पिठो को देउची आ गोटे हाथ में एमती चलाउची एमती ही कंटिन्यूअसली आपको चलाउथिबे चला बिल्कुल भी बंद करिवे नाही जे पर्यंत पिठोटी टिके गाढ़ा न हो जाए। तो गैस टी सीम करके आपको एमती जंतु थी जे पर्यंत खड़ी जंती न हो जाए तो आणटी एमती गाढ़ा हो आसला। तो एमती ही कंटिन्यूअसली आपको चलाउथिबी आपको जंतला बेले टिके पेशेंस सहित आपको जंतिबे
आपण जेतिकी पिठा करिवे से अनुसार चावल बतुरेबे। तो जंतुनुटी एमती डो आकार रे हेय आसिलानी आ करेरु संगे संगे एमती बाहरी आसुची। तापर एबे मु गैस टिकु बंद करि देबी, आकु गोटे थाली कु काढ़ी आनिबी। तो डो टी मोर रेडी हे जाइछि, आकु एबे फैन आगरे थंडा करिबा पई छाडी देबी। हाथ को सही हेला पर्यंत थंडा करिबे। तापर आकु तेल हाथ हो किबा घी हाथ हो किबा पानी हाथ रे आकु भलो भाबे चकटी देबा। जेमते आमे नॉर्मल अटा दलु सेमती टाइप रे आकु चकटी देबी, जहा द्वारा डो टी सॉफ्ट हे जिवो। तो डोटी मोर चकटी हो गलानी आ सॉफ्ट मध्य हो गलानी। पिठा बनेला बेले आपण डो को एमती चकटी देबे, जहा द्वारा पिठाटी कोलिया सॉफ्ट हबो। तो एबे मु पिठा गढुची, सेथि पई प्रथमे मु तेल हाथ हो जाइछि। तेल हाथ हो कि दुई हाथ रे एमती घसी देउची आ अल्प डो को नै जाउची। तो जेतिकी बड़ साइज रे पिठा बनेबी सेतिकी साइज रे मु डो को नै जाउची। डो को नै सल्ला परे आकु हाथ रे एमती मझिरे होल करि देउची। तो लेयर को बेसी पतला कि बेसी मोटा करू ना, एतिक ही पतला रखुचे। तापर एथिरे पूर दे देबे। तो चामच रे स्टफिंग को भरी देउचे, जेतिक जगह धरिबो से अनुसार स्टफिंग को एथिरे दे देउचे। डेढ़ चामच एथिरे स्टफिंग देले, तापर चारि साइड रे एंती बुलेई देउचे। चारि साइड रे बुलेई करी आकु एंती बंद करी देउचे। तापर ऊपर भाग को एमती मिसेई करी एमती गोल करी दउची, जेंती स्टफिंग टी भलो भाबे भरी हेकी रहिची। तो एमती आकार रे पिठा गढ़ी देइची। एबे आउ गोटे पिठा गढ़ुची, तो अल्प आण नै जाइची, हाथ रे एमती होल करी दउची। पिठार लेयर को बेसी पतला किबा बेसी मोटा करिवे नाही, बस एतिक ही लेयर को रखिबी। तापर या भीतर स्टफिंग को भरी देबी। आशा करुच्छे मोर ये मंडा पिठा रेसीपीटी आपंक पसंद आसो। जदि पसंद आसे मो चैनल टी सब्सक्राइब करदे, जहाद्वारा मत नुआ नुआ वीडियो बनवाई सपोर्ट मिल। तो स्टफिंग को भरी सारा पर आपको चारि साइड एमती क्लोज करदे। क्लोज कर सारापर या उपर जो टे आण रही जामती चापी कर मिसई दे आपको गोल करदे। तो सेम प्रोसेस रे सब मंडा पिठा गुड़िक गढ़ीद। आकु साधारणतः आम ओडिया घरे माणवसा गुरुवार रे आ सुदशा व्रत रे महालक्ष्मी को पाखरे भोग लगे थांती, किंतु आपण जे कोनसी ओसा व्रत रे आकु बनेई परिबे किबा पिठा खाइबा को मन होउछि एंती ही पिठा बनेई कि आपण संगे संगे खाइ परिबे। तो सब पिठा गुडी को गढ़ी करी एंती रखि देइछि। तापर आकु बांफ दबा, एथिपई मु इटली छांचरे अल्प पानी दे देइछि आरो गोटे थाको एंती दे देइछि। या दरे अल्प तेल देई ब्रश रे एंती चारि साइड रे बुलेई देउछि, जहा द्वारा पिठाटी भलो हाबे बाहर जिवो। तेल को टिके बुले सल्ला परे आ भितरे पिठा को दे देबी। आपण चाहिले गोटे डेक्ची रे अधा पानी नै जिवे, तापर कपड़ा बांधिकी ए पिठा को दे देबे, तापर कभर करके स्टीम दे परिबे। मु किंतु इटली छांचरे ए पिठा को बंफै देउची, आपण इटली छांचरे मध्ये ए पिठा को बंफै परिबे। तापर ब्रश रे तेल दे देउची, तेल दे सल्ला परे एथरे मंडा पिठा को दे देउची। मंडा पिठा को छांच उपर दे सारा पर आपको एबे कभर कर देउची। एबे गैस टी मीडियम रु लो मीडियम करके 20-25 मिनिट पई आपको स्टीम दे देबा, जे पर्यंत पिठाटी भलो भाबे सिझि न जाइची। पिठाटी स्टीम देबार 20-25 मिनिट हो गलानी, यार कभर को खोली देउची। पिठाटी गरम अच्छे से दुईटी कपड़ा रे आकु गोटे जगह को काढ़ी आनी पिठा को एमती 5-7 मिनिट थंडा हवापी बाहर रखिदे। पूरा थंडा हो गला आकु गोटे प्लेट को काढ़ी आनुची, गरम थिबा अवस्था रे बाहर करिवे नाही, नहले पिठाटी भांगी जिव। पूरा थंडा हो गला आकु थाली रे काढ़ी आनुची। तो एमती ही कौलिया टेस्टी हेल्दी सिजा मंडा पिठा आपण घरे बनांतु। आ भल लगे वीडियो टी को लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु। आ जदि मो चैनल नुआ तो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखे थिबा बेल आइकन को दबे दिंतु, जहाद्वारा मुझ अपलोड करूबा सब वीडियो गुड़िक आपण मानक पाखरे पहुँची जीव। धन्यवाद।